नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मोदी सरकार और देश की सभी पार्टियां देश के सबसे बड़े पर्व आम चुनाव में भाग लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और 2019 आम चुनाव का किला फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है और सरकार अपने काम जनता के बीच गिनाएगी और विपक्ष सरकार द्वारा गिनाए गए काम का पोस्टमार्टम करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो 2014 की है और मोदी सरकार की आलोचना या सराहना अगर कोई करेगा तो उसकी शुरुआत भी 2014 से ही होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत 2014 से करेंगे। एक यूनानी महान नाटककार और आलोचक ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर कहा था कि लोगों का दिल जीतने के लिए आप उन्हें कुछ खिलाएं जिससे वो खुश हो जाएं। एरिस्टोफेनेस की टिप्पणी आज भी यूपी 2 और मनमोहन सरकार पर फिट बैठती है। मनमोहन सरकार के अंतिम सालों में निराश और भ्रष्टाचार के आरोपों से हताश जनता को उम्मीद थी कि विकास से अच्छे दिन आएंगे और इसलिए देश की जनता ने मनमोहन सरकार को उखाड़ फेंका और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनवाई। और आज हम इसी बात को लेकर सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया और भारत की धमक विदेश में भी पहुंचाई है। मजबूत पीएमओ। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाए कि असली सत्ता सोनिया और राहुल गांधी के पास है और मनमोहन सिंह कठपुतली है और उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक शक्तिशाली पीएमओ दिया जो देश और देश के बाहर के लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और यहाँ निर्णय चुनी हुई सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यूपी सरकार में लगता था कि पीएमओ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए तब से लग रहा है कि देश में पीएमओ भी है जो गर्व महसूस करवाता है। आप उस बड़ी घटना को ना भूलें जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वॉशिंगटन डीसी रवाना हो चुके मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने सार्वजनिक जगह पर अध्यादेश का मसौदा फाड़ दिया था जिससे सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। स्कैम फ्री सरकार। तो मनमोहन सरकार के पिछले 5 सालों की जहां तारीफ होती है लेकिन उसके बाद माना जाता है कि दूसरे कार्यकाल में इसकी दिशा और दशा दोनों गड़बड़ हो गई। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, आदर्श स्कैम ने हेडलाइंस बटोरी और विपक्ष ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया और कांग्रेस के खिलाफ एक फिजा बनी कि सत्ता के गलियारों में दलालों का राज है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन वहीं अगर मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के 5 सालों में ऐसी बात नहीं हुई और सरकारी मंत्रियों के बारे में सुनने को नहीं मिला और ये कमाल किया प्रधानमंत्री मोदी और इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। मोदी सरकार के चाहने वाले समर्थक मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो मनमोहन सरकार में भाई भतीजावाद था आज ये माहौल खत्म हो चुका है। सरकार ने कोयले की खान 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन कितना शानदार तरीके से किया गया। प्रक्रिया का सरलीकरण। मनमोहन सरकार के वक्त लाल फीताशाही का बोलबाला था, कोई भी काम एक खिड़की पर नहीं होता था, लोगों को 10 से 20 मंत्रालयों में भटकना पड़ता था और फिर भी काम सही तरीके से नहीं होता था। इस बात को भी बीजेपी और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने 2014 में मुद्दा उठाया था। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार काम किया और इसका सरलीकरण किया। पासपोर्ट, परिचय पत्र, लाइसेंस, राशन कार्ड के आवेदन के अलावा कई महत्वपूर्ण कामों
जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पहले किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, यानी उसे अटेस्टेड करवाना पड़ता था। अब इसे बंद कर दिया गया है और लोग खुद अपने दस्तावेजों को अटेस्ट कर सकते हैं। इससे जिंदगी आसान हो गई और पहले अटेस्ट करने के लिए साहबों के दफ्तरों के चक्कर मारने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। योजनाएं, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कई योजनाएं शुरू की हैं। जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, जहां इन योजनाओं के उद्देश्य की तारीफ होती है और मेक इन इंडिया में बहुत फायदा हुआ है। रक्षा क्षेत्र में पिछले 5 साल में $4 बिलियन से ज्यादा की डील हुई है। जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसी स्कीमें कितनी सफल रही है, सरकार का डाटा बहुत ही शानदार है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सेल्स टैक्स इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे एक देश एक टैक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसके लागू होने से पूरे देश में टैक्स से संबंधित समस्या का समाधान हो गया और कई टैक्स भरने और लेन देन से समय बच गया और अब सिर्फ एक टैक्स देना है, जो है जीएसटी। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व स्थित कई देशों की यात्रा की और सभी देशों से अच्छे संबंध बने हैं और मोदी की इन यात्राओं ने धीमी पड़ी भारतीय विदेश नीति में जान फूंक दी। मोदी ने कुवैत, मध्य पूर्व, सऊदी अरब, पूर्वी एशिया और कंबोडिया गए, जहां पर इन देशों के नेताओं से पुराने संबंध फिर से ताजा हो गए और विदेश नीति का विस्तार हुआ। विदेशी निवेश अच्छी तरह से भारत आ रहा है और केंद्र सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि विदेश निवेश बढ़ा है। जो भी हो, पिछले 5 सालों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी ने धाक जमाई है और मोदी के मंत्री मोदी से इतने डरे रहते हैं कि कोई भी आदमी काम के सिवा कुछ और नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भाई, हम काम करने के लिए आए हैं और काम ही करेंगे, लेकिन अब फिर एक बार देश की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अगले 5 साल के लिए अपने नए सुल्तान का चुनाव करेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं यहाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ओसामे बिन लादन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं। ते कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ, जिस
संस्था ने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैशे मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूँ किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैशे मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो आप उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को।